नमस्कार, ट्रेन एंड ट्रेवल में आपका इटौंजा हॉल्ट से बहुत बहुत स्वागत है। सामने प्लेटफॉर्म के ऊपर ये जो आप यात्रियों की भीड़ देख रहे हैं, ये है ट्रेन संख्या 0586 जो कि लखनऊ जंक्शन से पीलीभीत जंक्शन के बीच चलती है सवारी गाड़ी। और आज 10 सितंबर है और यहाँ पर इस ट्रेन का लोको यानी कि जो इसकी पावर है वो फेल हो चुकी है, जिसके चलते उमस और गर्मी में यात्री यहाँ नीचे उतर करके प्लेटफॉर्म पर टहल रहे हैं। और अब इंतज़ार किया जा रहा है कि यहाँ पर दूसरा लोकोमोटिव भेजा जाए, जिससे कि ये ट्रेन आगे जा सके अटरिया की दिशा में, सिधौली की दिशा में। चूंकि इटौंजा सिंगल लाइन है, मेन ट्रैक के ऊपर ही यहाँ पर रेल खड़ी है ये जो ट्रेन है, जिसके कारण 15009 जो कि हमारी गोरखपुर से मैलानी जाती है वो ट्रेन भी पीछे ही रुकी हुई है। और जब तक ट्रैक क्लियर नहीं होगा यहाँ पर, तो रेलगाड़ियों का आवागमन सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। कई बार इटौंजा को स्टेशन बनाने की मांग भी उठाई गई पूर्व में, लेकिन इस पर रेल प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया और अभी तक इटौंजा हॉल्ट ही चला आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोकोमोटिव के पास तमाम सारे यात्री जा कर के जानकारी ले रहे हैं, जिनको अटरिया या सिधौली तक जाना था और देर हो रही थी। बहुत से यात्री आज टेम्पो पकड़ करके ऑटो से या बस से निकल चुके हैं। कल 9 तारीख को वंदे भारत ट्रेन का इटावा के पास, आपको याद होगा, पावर फेल हो गया था, उसमें तकनीकी खराबी आ गई थी। और आज हमारे सीतापुर मैलानी रूट की पीलीभीत की दिशा में जाने वाली ट्रेन संख्या 0586 सामने खड़ी है। आप देख सकते हैं पावर फेल हो गया है।